दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 23 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप और उसका अश्लील वीडियो बनाने का घटना जो है सामने आई है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर बने दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी 2016 से उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, जब पीड़िता की शादी तय हो गई तो उसके मंगेतर को पीड़िता की न्यूड तस्वीरें भेज दी गई और शादी तुड़वा दी। और इससे परेशान होकर आखिरकार पीड़िता ने मानेसर महिला पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने गैंगरेप के दो आरोपियों जिनमें से केशव और सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभिषेक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता छात्रा है, गुड़गांव की ही रहने वाली है और उसने महिला थाना मानेसर में एक रिटर्न कंप्लेंट दी जिसमें उसने बतलाया कि उसकी कुछ समय पूर्व गांव नवादा के केशव के साथ दोस्ती हुई थी और उसने ये दोस्ती फेसबुक के जरिए उसके साथ की थी। उसके बाद केशव ने उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उसके जो अन्य साथी थे अभिषेक और सुनील, उन तीनों ने उसको ब्लैकमेल करते हुए बिना उसकी मर्जी के उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। और उसके बाद जब पीड़िता छात्रा की शादी किसी अन्य जगह तय हुई तो इन तीनों ने मिलकर उसके कुछ पर्सनल फोटोज उसके जहाँ से लाई थी वहाँ पर सेंड कर दिए, जिस संबंध में पीड़िता छात्रा द्वारा थाना महिला मानेसर में शिकायत देने पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध रेलिवेंट सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों में से दो आरोपी जो सुनील और अभिषेक और केशव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील की गिरफ्तारी अभी बकाया है, केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।